मध्य प्रदेश में करीब 13 साल बाद एक बार फिर पांचवी और आठवीं के एग्जाम बोर्ड पैटर्न पर होंगे। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड ने वर्ष 2008 में दोनों ही क्लास से बोर्ड पैटर्न हटा दिए हैं। इस बार प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के पांचवी में करीब 15 लाख और आठवीं में 14 लाख छात्र छात्राएं शामिल होंगे, यानी जिला स्तर पर पेपर तैयार होगा और एग्जाम के बाद उत्तर पुस्तिकाएं दूसरे स्कूल में चेक करने के लिए जाएगी। अब फिर से रिजल्ट भी निकलेगा और बच्चे फेल भी होंगे। उन्होंने पास होने का दो बार मौका भी मिलेगा और सत्र 2021-22 में मध्य प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पांचवी व आठवीं के लिए वार्षिक परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की गई थी। प्रदेश के स्कूलों में सत्र 2022-23 में यानी इसी साल से सरकारी स्कूलों के साथ साथ मान्यता प्राप्त निजी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर पांचवी व आठवीं के लिए बोर्ड पैटर्न पर वार्षिक परीक्षा होगी।